आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ वर्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। खबर सामने आई है गाजीपुर से। गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई का सिलसिला जोरों शोरों पर है। गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंग लीडर ISI 191 मुख्तार अंसारी और सहयोगी गणेश दत्त मिश्र पुत्र शिवशंकर मिश्रा की लगभग 14,20,00,000 रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को मुख्तार अंसारी के करीबी सदर कोतवाली क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी रोजा निवासी गणेश दत्त मिश्र की करोड़ों की 4 बेनामी अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इस कुर्की को SP के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया था। SP सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंग लीडर ISI 191 मुख्तार अंसारी और सहयोगी गणेश दत्त मिश्र की करोड़ों 4 अचल संपत्ति को DM के आदेश पर कुर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत 3 महीने से लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। आज ISI गैंग के सहयोगी गणेश दत्त मिश्र, जो मुख्तार अंसारी के पूरा पैसे और फाइनेंस का काम हैंडल करता था और आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त था, उसकी आज 4 संपत्तियों को मुनादी के बीच कुर्क किया गया है और इस 4 बेनामी संपत्ति की कीमत लगभग 14,20,00,000 है। देखिए, विगत 3 महीने में मुख्तार अंसारी गैंग पे लगातार जो है वो शिकंजा नकसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी गैंग IS-191 के आज एक सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा, जो उनका पूरा पैसे का और फाइनेंस का काम जो है वो हैंडल करता था और आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त ऐसा व्यक्ति था, इस व्यक्ति की 14,20,00,000 रुपये की संपत्ति, जो कि 4 संपत्तियाँ कुल है न, वो जब्त न करी जा रही है। आज इनके अन्य सहयोगी के खिलाफ और गैंग के मेंबर्स के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो प्रचलन में लाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।